दूर जंगल के बीच एक गांव था जहां पर एक चुड़ैल का साया था जब जब उस गांव में रात में कोई भेड़िया रोता तो वो चुड़ैल के लिए एक संकेत होता कि आज यहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ है आज वही भयानक रात थी कितने प्यारे जुड़वा बच्चे हैं। एकदम मुझ पर गए हैं रहने दो उसकी नाक देखो बिल्कुल मेरे जैसी है तभी वहां पर चुड़ैल आती है और बच्चों को उठा लेती है डर के मारे बच्चे रोने लग जाते हैं आखे, आखे, आखे मैं ही क्यों? कुछ तो देख लेने देती <laughs> क्यों? अगर देर आती, तो भी कौन सा इन बच्चों की जान बच जाती <laughs> ये सब पिता से नहीं देखा जाता और वो पास में रखा डंडा उठाता है और चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है चुड़ैल ऐसा करने से पहले ही उसको अपनी शक्ति से रस्सी में बांध देती है और कहती है, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना ऐसा बोलते ही वो आसमान की तरफ उड़ जाती है आ जाएगा असली मजा <laughs> काफी दिनों के बाद ये कुमल, कुमल बच्चों को खाऊंगी <laughs> मजा ही आ गया। ऐसा कहते ही वो एक गुफा में चली जाती है गुफा में और भी बच्चों की हड्डियां पड़ी होती हैं। चुड़ैल पास में रखी एक प्लेट में दोनों बच्चों को लिटाती है और दोनों को बड़े मजे से खाती है अब ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है जैसे ही किसी के घर बच्चों का जन्म होता चुड़ैल उन बच्चों को उठाकर ले जाती और अपनी गुफा में ले जाकर उन मासूमों को खा जाती। गांव के लोग परेशान होकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं तुम अपने बच्चों के पैदा होने पर सारे दरवाजे खिड़कियां बंद रखना किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है गांव के लोग ऐसा ही करते जिस घर में किसी बच्चे का जन्म होता वो एक महीने तक अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद रखता ना आवाज बाहर जाती न किसी को पता चलता आ, न, ये क्या हो रहा है, है भूख के मारे बुरा हाल होता जा रहा है न, और गांव के लोग एक भी बच्चे को जन्म नहीं दे रहे कुछ तो दाल में काला है एक घर का दरवाजा थोड़ा टूटा होता है चुड़ैल घर में झांकना शुरू कर देती है वो देखती है कि घर के अंदर बच्चे बड़े हो रहे हैं हाय, है, जब तक इनके रोने की आवाज नहीं सुन लेती तब तक मैं इनको नहीं उठा सकती अब क्या करूं? वो ऐसा सोचते हुए जंगल से गुजर ही रही होती है कि रास्ते में उसको एक बादाम बेचने वाली औरत मिल जाती है चुड़ैल अचानक एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है ये क्या बेच रही हो कच्चा बादाम बेच रही हो दीदी ये किस काम आते हैं बच्चों को ताकतवर बनाते हैं ऐसा सुनते ही चुड़ैल उस औरत को अपना असली रूप दिखा देती है वो औरत डर के मारे भाग जाती है <laughs> बढ़िया ही बादाम बेचने वाली बादाम तो अब मैं बेचूंगी <laughs> और वो भी कच्चा बादाम <laughs> सुच सुच के मेरे मुंह में पानी भरा जा रहा है। <laughs> अगले दिन चुड़ैल एक औरत के रूप में आती है और उसके सिर पर एक बादाम से भरा टोकरा रखा होता है बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम आमर का चेना को बाबू वजा बादाम 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 दादा कच्चा बादाम अमर का चेना को बाबू क्वा अरे ये क्या कच्चा बादाम? ये किस काम का है अरे ये तुम जैसों के लिए नहीं है ये तो अमीर लोगों के लिए होते हैं, जिनको अपने बच्चे अपने जैसे अकलमंद और ताकतवर बनाने होते हैं तुम तो किसी भी तरह से अमीर नहीं लगते ना ही तुम्हारे बच्चे लगते और हाँ अगर होते भी तो तुम्हारी औकात नहीं लग रही कि तुम ये बादाम अपने बच्चों को खिला सको ए पागल बादाम वाली तुझे पता है तू किससे बात कर रही है हाँ, हाँ एक गरीब से बोल कितने के हैं ये बादाम और अपनी जुबान को लगाम दे पूरे एक सौ रुपए के हैं, ले सकते हो ये ले पाँच सौ रुपए और दफा हो जाए यहाँ से। अरे अरे आप तो बुरा मान गए साहब जी ये लो बादाम। अब समझी कौन हूँ मैं आप निकल यहाँ से आदमी बादाम लेकर घर जाता है और जैसे ही वो बादाम अपने बच्चों को देता है बच्चों के पेट में जोर से दर्द होता है और बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं तभी उनकी आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आती है और बच्चों को उठा ले जाती है अब अक्सर ऐसा होने लगा चुड़ैल बादाम बेचती जैसे ही वो बादाम बच्चों के पेट में जाता वो जोर जोर से रोते और बच्चों के रोने पर चुड़ैल उनको उठा ले जाती गाँव के लोग परेशान होकर उसी तांत्रिक के पास जाते हैं और कच्चे बादाम वाली बात भी बताते हैं। हम्म, लगता है इसका आखिरी वक्त आ गया है और हो न हो ये कच्चे बादाम वाली ही चुड़ैल है तांत्रिक गाँव वालों को एक तरकीब बताता है और अगले दिन तरकीब के मुताबिक वही चुड़ैल उस गाँव में आती है बादाम बादाम दादा का बादाम अमर का चेना को बाबू वजा बादाम बादाम बदाम दादा कच्चा बदाम आमर का चेन्नई को बाबू वजा बदाम एक आदमी उस चुड़ैल के साथ मोल भाव करते हुए उसको गांव के बीच लगे हुए गोले में ले आता है जैसे ही कच्चे बादाम वाली उस घेरे में आती है वो अपने असली रूप में आ जाती है अरे पागल तांत्रिक ये तो ठीक नहीं कर रहा अरे पागल तो तू है जो मासूम बच्चों को उठा कर ले जाती है चल अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है ऐसा कहते ही तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है ओम एम क्लीम चमुंडाय विचैन नमा ओम एम हीम चमुंडाए विचैन नम जैसे ही मंत्रों का जाप होता है वो गोला आग में बदल जाता है और चुड़ैल का अंत हो जाता है बिखेर देता है हम्म, hmm, अब ठीक है। रात को बड़ी देर से वो अपने घर पहुंचता है अरे ये तो सो गई कमला ओ कमला उठो कमला तुम्हें कुछ बताना है अरे जल्दी यहां आओ ओ क्या हुआ आपको आने में तो बड़ी देर हो गई बात ही कुछ ऐसी है मेरे साथ खेत में चलो अभी इतनी रात गए कल सुबह चले जाएंगे नहीं कमला अभी चलो अपने खेत में बारिश हुई है ये कैसे हो सकता है यहां पर तो कोई बारिश नहीं हुई आकाश भी साफ है अरे पगली वही तो बात है बारिश सिर्फ हमारे खेतों में हुई है वो भी साधारण बारिश नहीं मछलियों की बारिश आसमान से ढेर सारी मछलियाँ अपने खेतों में बिखरी पड़ी हैं। मछलियों की बारिश आपकी तबीयत तो ठीक है ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमला अब चलो मेरे साथ हाथ में लालटेन लिए अब दोनों खेत पहुंचे देखो कमला ये कोई साधारण बारिश नहीं थी आसमान से लाल रंग का पानी टपक रहा था मैंने उस पानी को एक घड़े में भरकर रखा है जब कमला ने खेतों में बिखरी मछलियां देखी तो वो हैरान हो गई खेतों में जगह जगह लाल रंग की बूंदे भी नजर आ रही थी अरे हाँ यहाँ पर ढेर सारी मछलियां बिखरी पड़ी है ये सब कैसे हुआ ये तो कोई चमत्कार ही लगता है हम इस पानी से भरे घड़े को घर लेके जाते हैं लेकिन ये बड़े राज की बात है तुम ये किसी को नहीं बताना मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी कमला की मदद से गोपाल वो सोने की मोहरों से भरा घड़ा घर ले आता है दूसरे दिन सुबह कमला के उठने से पहले गोपाल ने वो घड़ा घर के आंगन में गाड़ कर छुपा दिया सुबह जब कमला उठी वो गोपाल के पास आकर उस घड़े के बारे में